नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में होलिका दहन देखना कैसा होता है और ये शुभ सपना होता है या अशुभ सपना होता है, क्या कहता है स्वप्न शास्त्र। आज के वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए जल्द से जल्द लाते रहें। अब चलिए बात कर लेते हैं होलिका दहन की। जैसा कि हिंदू शास्त्र में मनाया जाने वाला एक पवित्र त्यौहार है, ऐसा माना जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत की याद में होलिका दहन मनाया जाता है। इस दिन सगे संबंधी सभी लोग आपस में मिलजुल कर रंग गुलाल भी खेलते हैं। वहीं अगर आपके सपने में होलिका दहन आप देखते हैं तो ये शुभ होता है। इसका मतलब होता है कि आपके अंदर की अच्छाइयों को बल मिलेगा। अगर आप एक अच्छा व्यक्ति हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में आप अपने साथी जो बुराई के प्रतीक को ज़्यादा महत्व देते हैं, रिश्वत वगैरह या बुरे काम करते हैं और वह आपको भी परेशान कर रहे हैं, अगर ऐसा सपना आपको आता है तो इसका मतलब होता है कि आपके सामने वह पराजित होने वाले हैं। इसके अलावा आप अपने मन की बुराइयों को भी समाप्त कर सकते हैं। अगर आपको जुआ की लत या शराब की लत या गाली गलौज करने की लत वगैरह है तो अगर आपके सपने में होलिका दहन आता है तो ये सपना बताता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। भैया बात कर लेते हैं, अगर अपने आप को आप होलिका दहन करते हुए देखते हैं, होलिका दहन में आग लगाने की जो है प्रक्रिया में आप शुभारंभ करते हैं और ये सपना आपको दिखाई देता है तो ये सपना बताता है कि आने वाले समय में आप निश्चित तौर पर आगमन कर सकते हैं किसी अच्छे कार्य का और ये अच्छा कार्य बुराई को नष्ट करने वाला होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको नेतृत्व से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण आपको नेतृत्व प्राप्त करने का अवसर मिले, लीडरशिप मिल सकती है। भैया बात कर लेते हैं, अगर आप सपने में होलिका की परिक्रमा करते हुए अपने आप को देखते हैं, उसमें आप जौ या गेहूं या आप गन्ने को चढ़ाते हुए देखते हैं तो ये अच्छा होता है। सपना हमें बताता है कि आने वाले समय में हमको धन संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं उनका अंत होने वाला है और हमको आर्थिक लाभ होने वाला है। भैया बात कर लेते हैं, अगर आप खुद को सपने में होलिका दहन करके होली को बुझाते हुए अगर अपने आप को देखते हैं या कोई भी सपने में आपको दिखाई देता है कि होली की जो अग्नि है उस पर पानी डाल रहा है या उसको बुझाने की कोशिश कर रहा है, अगर ऐसा सपना आता है तो सपना शास्त्र के अनुसार ये बेहद ही अशुभ सपना होता है। ये आपके जीवन में घट रही अच्छी घटनाओं को रोकने वाला सपना माना जाता है। ये सपना हमें बताता है कि आने वाले समय में हमारे जीवन में कुछ ऐसी विशेष दुविधा उत्पन्न होगी जिसकी वजह से हमको निकट भविष्य में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमको ऐसा कुछ महसूस हो या हमको कुछ ऐसा देखने को मिले जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आप सपने में होली के रंगों में अपने आप को रंगे हुए पाते हैं तो ये शुभ सपना होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपना हमें दर्शाता है कि आने वाले समय में हमारे जीवन में रंग बिरंगी खुशियाँ अनेक प्रकार से प्रवेश करेंगी। इसके अलावा अगर आप अपने आप को होली में दुखी होते हुए देखते हैं या किसी की परिजन की याद में रोते हुए अपने आप को देखते हैं तो ये सपना हमें बताता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में कोई नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है और आपकी जो भी दुख का कारण है, जो भी परेशानी का कारण है, आने वाले समय में वह समाप्त हो सकता है। उम्मीद करते हैं छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब